क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ ट्री। सोचो आप एक छोटे से सैपलिंग हो और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो एक खतरनाक म्यूटेंट ट्री में। तो एज अ ट्री मैं लोगों के बहुत ज्यादा काम आता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इस दुनिया से पूरे पेड़ को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ ट्री, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 30,000 लाइक्स और इस साल हमें 400K पहुंचना है। तो नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से आगे उसे दबा दो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ सैपलिंग यानी कि छोटा सा पौधा। तो मैं जल्दी से जमीन से बाहर निकलता हूँ और सही में यार मैं बहुत ज्यादा छोटा था। तो मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ और मुझे अभी दिखते हैं काफी सारे पेड़ और वही पीछे में मुझे दिखता है एक अजीब सा आदमी जो कि पेड़ काट रहा था बिना रुके और इसका मुंह भी पूरा फूटा हुआ था। तो बिना रुके पेड़ तोड़ना चालू करता है और इसके साथ में होते कुछ सूट पहने हुए लोग जिनके हाथ में होते चेनसॉ और ये भी पेड़ काट रहे थे और ये पेड़ तोड़ते तोड़ते मेरे पास तक के आ जाता है। फिर जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है भागते हुए। तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये कौन है। मेरा नाम विक्टर है और मुझे पेड़ काटना बहुत ज्यादा पसंद है और एक दिन मैं इस दुनिया से पूरे पेड़ खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो क्या मुझे एक छोटा सा पौधा रोकेगा? तो इतना सब बोलने का वो जल्दी से अपना चेनसॉ ऑन करता है और मुझे मारने के लिए भागता है मेरे पीछे। लेकिन मैं सही टाइम में वहाँ से भाग जाता हूँ और मैं इसे दूर से कहीं से छुपते हुए देखता हूँ और कुछ देर तक के मुझे ढूंढता है लेकिन उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो मैं भी जल्दी से इस जगह से भागना चालू करता हूँ उससे पहले कि वो मुझे देख ले। और ये सब करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे होता है। तो कुछ देर चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक टेंट और शायद यहाँ पे कोई तो था। तो मैं जल्दी से आता हूँ लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ मुझे यहाँ पे आग लगना चालू होती है कैंप फायर से। तो मैं जल्दी से यहाँ हुआ देखता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे एक भी चीज काम की नहीं मिलती है। तो थोड़ा दूर में देखता हूँ तो मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है। मैं जाता हूँ जल्दी से उसके पास। यहाँ पे मुझे अजीब सा आदमी दिखता है। मैं उसको एक फाइट मारता हूँ टूट जाता है। फिर मुझे पता चलता है ये तो एक स्टैचू था। तो जल्दी से मैं उसको रख लेता हूँ। इसका नाम था मौसी गोलम और मैं अपने सामने देखता हूँ मुझे अजीब सा कोई जानवर दिखता है। पता नहीं ये क्या था जानवर था कि इसके सामने में लगा था एक चेनसॉ और बिना रुके यहाँ पे मारना चालू करते एक रकून को खत्म भी कर देता है। मैं जाता हूँ जल्दी से उसके पास और ये एकदम अजीब सा था यार। मुझे खुद नहीं पता ये किसने किया लेकिन मुझे बताते कि विक्टर के लिए काम करता है जो कि इस दुनिया से पूरे पेड़ खत्म करना चाहता है। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मैं इसे एक फाइट मारता हूँ और फिर मुझे मारता है एक फाइट। तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास हेल्थ ज्यादा नहीं थी। तो भागते भागते रात हो जाती है और मुझे दूर में दिखता है एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो कि शायद किसी का घर था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि रात के टाइम में कोई भी मॉब आके मुझे मार सकता था। तो मैं सीधा घुसता हूँ इसके घर के अंदर और घर नहीं यार ये पूरा कैसल था। अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जिसमें क्रीपर का मुंह था। तो जैसे मैं खोलता हूँ मुझे अंदर मिलता है एक सही वाला एक्स और यहाँ पे मुझे मिलता है एक खतरनाक सॉर्ड। तो जल्दी मैं रख लेता हूँ दोनों को और यहाँ से बाहर निकलता हूँ और ऊपर वाले फ्लोर में जाता हूँ। दरवाजा खोलता हूँ तो अंदर घुसते मुझे दिखते हैं यहाँ पे कुछ जिंदा पेड़ यानी कि वो चल सकते थे यार उनकी आंखें थी। तो मैं जल्दी से अंदर घुसता हूँ और चल सकते थे और बात भी कर सकते। तो मैं जल्दी जाके एक से बात करता हूँ। तो मैं इसे पूछता हूँ कि ये लोग ऐसे कैसे बने। तो ये मुझे बताते कि एक पागल सा आदमी है जिसका नाम फ्रेडी है जो कि ऐसे वुड को लेके आता है और फिर उसके बाद उनके ऊपर कुछ तो पोशन फेंकता है और फिर वो लोग बन जाते हैं ऐसे जिंदा पेड़ और पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा है। और फिर उसके बाद इन सबको यहाँ पे लेके कैद कर लेता है और उसके बाद कुछ देर के बाद वही बंदा वापिस आता है और मुझे देखता है और फिर मुझसे बोलता है कमाल हो गया है तो एक छोटा सा पेड़ खुद से जिंदा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब हम विक्टर को मार सकते हैं। तो इतना सब बोलने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे जल्दी से जगह से बाहर निकलना था। तो मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ हर चीज से लेकिन ये टूटता नहीं है। पता नहीं किस चीज से बनाया था इसने, क्या पता शायद वाइब्रेनियम का हो। तो कुछ देर के बाद वापिस से ये आता है और फिर उसके बाद अंदर घुसता है सीधा और मुझे बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके हिसाब से मुझे मारना पड़ेगा विक्टर को। तो मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ तो मेरे ऊपर एक पोशन फेंकता है। फिर मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ और मेरी जब आँख खुलती है मैं था इसके कमरे में और मैं देखता हूँ तो पता नहीं यहाँ पे बहुत अजीब सी चीजें रखा हुआ था इसने, कैंडल, काफी सारे बुक और पता नहीं शायद काला जादू करता होगा। तो कुछ देर के बाद आता है और यहाँ पे फिर मुझे बताते हैं कि अब मैं तुम्हारे ऊपर एक पोशन फेंक रहा हूँ। तो जैसे फेंकता है एकदम से मेरे हार्ट बढ़ना चालू होते हैं और मैं एकदम हाइटेड हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैं भी उनकी तरह बन चुका था लेकिन मैं थोड़ा सा ताकतवर था उनसे। उसके बाद मुझे समझ में आता है कि फ्रेडी अच्छा आदमी है और ये इसलिए जानबूझ के पेड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था ताकि वो विक्टर को रोक पाए। तो ये मुझसे पूछता है कि मेरे लिए काम करोगे क्या। मैं बोलता हूँ ठीक है। तो मुझे देता है एक बुक एंड क्विल जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे मारना पड़ेगा एक मौसी गोलम को। तो मैं उसे बताता हूँ कि मौसी गोलम को मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका स्टैचू है। तो मैं उसे दिखाता हूँ स्टैचू फिर तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ। तो बोलता हाँ इसे मारना है। तो ये मुझे बताता नहीं कि उसे मारना क्यों है लेकिन तो भी मैं चला जाता हूँ उसकी बात मान के और आगे बढ़ता हूँ और काफी दिनों तक मैं चलते रहता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा सुअर जिसके पास कोई तो चेस्ट था और पता नहीं वो किसका सामान लेके जा रहा था। मैं जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बोलता है कि विक्टर का आदमी है। तो मैं जल्दी से मार देता हूँ उसको और उसके बाद मुझे मिल जाती है एक अजीब सी चीज जो कि था इसका पिकैक्स और पता नहीं कैसे हुआ ये सुअर वाला पिकैक्स। तो मैं जल्दी से रख लेता हूँ अपने पास, आगे बढ़ता हूँ और कुछ दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक और अजीब सी जगह जहाँ पे मुझे विक्टर के आदमी दिखते हैं जो कि सूट पहन के होते हैं और वो लोग बिना रुके यहाँ पे पेड़ काटना चालू करते हैं। तो मुझे आता है बहुत ज्यादा गुस्सा, मैं जाता हूँ जल्दी से उनको मारने के लिए। तो मुझे एक दिखता है मैं उसे जाके बात करना चालू करता हूँ। तो मैं से पूछता हूँ कि तुम लोग पेड़ क्यों काट रहे हो। तो ये मुझे बोलता है कि इन्हें विक्टर ने बोला इसलिए और इन्हें पैसे मिल रहे हैं बस। तो ये बोलता है कि तुम अपना काम करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जल्दी से मैं से एक फाइट मारता हूँ लेकिन ये मुझे एक फाइट मारता है, बहुत गंदा लगता है मुझे। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा दूर भागना
करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा दूर भागता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी में कूद जाता हूँ सीधा। पानी में भी एक दो हिट मारता है लेकिन मैं उस पार पहुंच जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही पानी में कूदता है मैं इसे मारना चालू करता हूँ एक दो शॉट अपने एक्स से, और फिर उसके बाद मैं इसे सीधा लेके आता हूँ ऊपर में, एक लास्ट शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका चेनसॉ मिलता है और वो भी मैं रख लेता हूँ अपने पास। मैं देखता हूँ कि रात हो चुकी थी, तो जल्दी से बढ़ता हूँ आगे। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक ब्लैक कलर का कैसल जो कि मुझे नहीं पता किसका था, लेकिन मैं जल्दी से जाता हूँ। थोड़ा एक दो फ्लोर नीचे कूदता और पता है पूरा टूटा हुआ था। नीचे जाता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर में मुझे यहाँ पे दिखता है विक्टर, और साथ में मुझे यहाँ पे दिखते हैं उसके कुछ फंटर लोग, तो वो भी यहाँ घूमते रहते हैं। तो पता नहीं विक्टर क्या कर रहा था, और तभी मुझे एकदम से देख लेता है और फिर उसके बाद अपने लोगों को मेरे पीछे भेजता है। तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ उससे पहले कि वो लोग मुझे मारना चालू करे। तो अगले कुछ दिन मैं यहाँ भटकते रहता हूँ उस मौसी गोलम को ढूंढने के लिए, और मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक ट्राइब्स का ग्रुप जो कि पहले मुझे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। उनको लगता है कि पेड़ कैसे चल पा रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या उन्हें मौसी गोलम के बारे में कुछ पता है। तो पता नहीं वो लोग चिल्लाना चालू करते हैं, इसका मालूम उनको नहीं पता था। तो मुझे यहाँ पे दिखता है इन लोग का मंदिर जहाँ पे रखे हुए थे कुछ गोल्डन एप्पल। तो जल्दी से मैं इनको चोर के यहाँ से भाग जाता हूँ। तो जल्दी से इन सबके सामने खा भी लेता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा आदमी जो कि पता नहीं काफी सारे चिकन्स को परेशान कर रहा था, मेरे ख्याल से डक थी ये। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उसके पास, और यार ये बिल्कुल ट्रेवर की तरह दिख रहा था जो कि GTA 5 में। और अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बता दो। तो मैं ऐसे बोलता हूँ तुम इसे क्यों मारते हो, तो ये बोलता है कि ऐसे मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं उसे बोलता हूँ कि ये सब करना बहुत गलत बात है। तो जल्दी से मैं दिखाता हूँ कि तुम इसको जानते हो क्या मौसी गोलम को, तो ये बोलता है नहीं इसे नहीं पता, तो मेरे कुछ काम का नहीं था। तो मैं इसे लड़ना चालू करता हूँ, तो ये मुझे मारता है कुछ हिट, तो मैं भी इसे मारता हूँ कुछ हिट। और उसके बाद हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है, और फिर हम एक दूसरे को मारते रहते पता नहीं क्यों। तो मैं ग्लास हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर चुका था GTA 5 वाला ट्रेवर, तो तुम आ रहे भी लिख दो बेचारे के लिए। तो यहाँ पे आती है वो डक और फिर मुझसे बोलती है कि अच्छा हो तुमने उसे मार दिया वरना ही हमें खत्म कर देता। तो मैं बोलता हूँ कैसे मौसी गोलम के बारे में कुछ पता है, तो ये बोलती है हाँ इसको पता है। वैसे जल्दी से दिखा देता हूँ यही है ना, तो ये बोलती है बस यहीं पे पास में ही है। तो मैं से बोलता हूँ जल्दी से मुझे वहाँ पे लेके जाने के लिए। तो मैं जल्दी से स्टैचू को तोड़ लेता हूँ और फिर उसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो बस कुछ कदम चलते यहाँ पे एक पेड़ होता है जहाँ पे अंदर जाने का रास्ता होता है। तो मेरा बहुत दिमाग खराब होता है कि यही बाजू में था, उससे अच्छा बोली देती है। तो मैं सोचता हूँ कि अब इसे खत्म ही कर देता हूँ, कोई काम की तो है नहीं। तो किसी ने देखा भी नहीं, तो मैं सीधा देखता हूँ नीचे तो काफी सारे कॉबवेब दिखते मुझे, तो यहाँ से मैं कूद सकता था आसानी से। तो कॉबवेब की वजह से मुझे कोई डैमेज भी नहीं होता। तो मैं घूमता हूँ इस जगह पे और मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं डंजन। तो मैं काफी देर तक घूमते रहता हूँ और मुझे दिखता है अजीब सा रूम जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और यहीं पे मुझे मिल जाता है एक चेस्ट, और इस चेस्ट के अंदर मुझे मिलते हैं काफी सारी चीजें जैसे कि ब्रेड मिल जाता है और यहाँ पे आयरन इंगट भी मिल जाता है और गोल्ड भी मुझे मिल जाता है और भी काफी सारी सही चीजें थी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे ब्रेड खा लेता हूँ और अपनी हेल्थ पूरी फुल कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है मौसी गोलम और ये शायद उसी की जगह थी। तो मैं सीधा कूदता हूँ नीचे और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक स्केलेटन आ जाता है जो कि मुझे बिना रुके मार रहा था। तो जल्दी से यहाँ पे मौसी गोलम आके उसको खत्म कर देता है। तो मैं जाता हूँ उसके पास और ये मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, और मैं इसे बताता हूँ कि मुझे फ्रेडी ने भेजा है। और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इसका स्टैचू भी था, तो मैं उसे दिखाता हूँ। तो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उस स्टैचू को तोड़ लेता है और अपने पास रखता है, और फिर उसके बाद बिना रुके मुझे मारना चालू करता है। तो इसका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो मुझे यहाँ से पहले थोड़ा दूर भागना पड़ता है। उसके बाद मैं भी इसे कुछ हिट मारने की कोशिश करता हूँ अपने एक्स से, और मैं आगे बढ़ता हूँ और इसे अपने शॉट से भी मारता हूँ मैं कुछ हिट, लेकिन इसे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता। पता नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इसकी कमजोरी थी कि ये चढ़ नहीं सकता था शायद ऊपर। तो मुझे ग्लास हिट मारता हूँ और मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ, लेकिन मैं इसे मारने आऊंगा जरूर बाद में। तो जल्दी से मैं जगह से बाहर निकलता हूँ, वो भी भाग जाता है वहाँ से, और इसको मारने के लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तो मैं जगह से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ पता नहीं पूरा जंगल यहाँ पे लोगों ने साफ किया हुआ है, और पता नहीं ऐसे पेड़ को काटना नहीं चाहिए। तो कुछ देर में यहाँ पे मॉर्निंग भी हो जाती है, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ अच्छे से एक सनराइज, और यहाँ पे मुझे दिखते हैं कुछ डॉग्स। तो मेरे पास कुछ हड्डियाँ थी, तो मैं ट्राई करता हूँ और एक हड्डी में टेम हो जाता है, दूसरे वाले को टेम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही भूखा कुत्ता था ये, तो जल्दी से मैं इसको भी निपटा देता हूँ। और जो मेरा वाला डॉग था इसका तुम जल्दी से नाम बता दो कमेंट में। तो जल्दी से इसको आगे लेके मैं चलता हूँ, और फिर काफी दिनों तक मैं यहाँ भटकते रहता हूँ। और मुझे यहाँ पे दिखते कुछ कैटरपिलर, हाँ ये वही है जिनमें से बाहर निकलती बटरफ्लाई। तो पता नहीं ये लोग लीव्स खा रहे थे शायद, और कुछ देर में मैं देखता हूँ तो उसमें से बटरफ्लाई भी बाहर आ जाती है कैटरपिलर में से। तो काफी सही दिख रही थी बटरफ्लाईज, और यहाँ पे उड़ना चालू कर देती है ये, और तभी मुझे दिखता है चेनसॉ वाला जानवर। तो जल्दी से उसको निपटा देता हूँ उससे पहले कि वो और पेड़ काटना चालू करे, और मुझे मिल जाती है उसकी चेनसॉ। तो मैं इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बोलता है कि उसके लिए मुझे ह्यूमन होना पड़ेगा और मैं तो एक पेड़ था। तो जल्दी से मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और मैं बना लेता हूँ एक बोट, और काफी दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक ट्री हाउस, और ये काफी ज्यादा सही ट्री हाउस था यार, मतलब पूरे जंगल के बीचों बीच और बहुत बड़ा भी था। तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ उसके पास और यहाँ पे अपनी बोट रख लेता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ कहीं ऊपर जाने का रास्ता होगा। तो मुझे मिल जाती एक स्टेयर्स, और पता नहीं यहाँ पे बहुत सारी हनी बीज क्यों थी। तो मैं जैसे पहुंचता हूँ एकदम टॉप में, तो मुझे यहाँ पे और भी काफी सारी बीज दिखती है, और उन्हीं के बीच में मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी, और उसके मुंह में पता नहीं हड्डी क्यों थी। तो मैं जल्दी से उसे मारना चालू करता हूँ, और पता नहीं तभी मैं यहाँ पे देखता हूँ एक
हनी भी कोई तो अजीब से आदमी से लड़ रही थी जो कि बीच बीच में गायब भी हो रहा था और ये भी पता नहीं कुछ टाइप का हनी भी जैसा दिख रहा था। तो मैं जल्दी से उसको निपटा देता हूँ और फिर उसके बाद ये हनी भी मेरे पास आती है और मुझसे बोलती है अच्छा वो मैंने आज इनकी हेल्प कर दिया वरना तो वो इन्हें मार डालता। तो मैं इन्हें पूछता हूँ कि वो कौन है, तो ये बोलती है कि कुछ लोग है जो कि पूरे हनी भी इसको भी खत्म करना चाहते हैं, तो जो इनका किंग है उसको भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो मुझे जल्दी से ये देती है एक आर्मर और बोलती है कि ये आर्मर पहन लो और उसके बाद फिर तुम उसे बचाने जाओगे तो तुम्हें आर्मर हमेशा के लिए रख सकते हो। तो मैं जल्दी से पहन लेता हूँ और आर्मर बहुत ज्यादा सही था। और उसके बाद ये मुझे फेंकती है एक बुक एंड क्विल, तो जल्दी से मैं खोलता हूँ और बाहर जाके मैं जैसे जैसे खोलता हूँ मुझे इसके अंदर दिखता है कि मुझे म्यूटेंट भी जो कि इनका किंग है उसको बचाना है और साथ में कोऑर्डिनेट्स भी थे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, मुझे टॉप में जाते हुए एक दिखता है एक चेस्ट, तो मैं जल्दी से चेस्ट खोलता हूँ और मुझे यहाँ पे मिलते हैं कुछ डायमंड। तो जल्दी से मैं डायमंड को रख लेता हूँ अपने पास और बचे हुए डायमंड भी अपने पास रख लेता हूँ मैं और इसके टॉप वाले फ्लोर में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ बैरल में मिल जाते हैं गोल्डन एप्पल और मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी सारे अजीब अजीब से टाइप के सैपलिंग्स। तो जल्दी से मैं इन सबको रख लेता हूँ अपने पास क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी और तुम इस वीडियो में जितने लाइक करोगे उतने मैं पेड़ लगाऊंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ अपनी बोट से और कुछ देर चलने के बाद मुझे दिख जाती है वो जगह और यहाँ पे था वही वाला पाइथन जो कि एकदम टॉप में था। तो मैं जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए टॉप में पहुंचता हूँ और यहाँ पे जैसे मुझे देखता है मेरे ऊपर फेंकना चालू करता है पॉइजन। तो मैं इसे रोकता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि म्यूटेंट बी का है, तो ये मुझे बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं इसे बोलता हूँ कि फिर तो इसे मरना पड़ेगा, तो ये बोलता है कि तुम मुझे मारोगे का एक छोटा सा पेड़। तो फिर मैं इसको मारना चालू करता हूँ एक हिट, तो ये भी मेरे ऊपर चढ़ जाता है, मैं सीधा कूद जाता हूँ नीचे, लेकिन इसकी आधी हेल्थ जा चुकी थी तो मैं इसे एक दो हिट और मारता हूँ और यहाँ पे मर चुका था। और फिर से मुझे मरते टाइम भी पॉइजन देके जाता है, तो जल्दी से ठीक हो जाता है। मैं देखता हूँ नीचे तो मुझे एक जगह दिखती है, मैं खुद जाता हूँ सीधा नीचे। तो थोड़ा सा यहाँ हुआ देखने के बाद मुझे नीचे में एक जगह दिखती है, तो जैसे मैं वहाँ जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसका मुंह गाय का था। तो जल्दी से भागते हुए आता है और फिर मुझे एक दो हिट मारता है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो मैं जल्दी से इसको एक हिट मारता हूँ और फिर दो तीन हिट मारने के बाद वो मर जाता है आखिरकार। और उसके बाद मैं पीछे में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक म्यूटेंट बी जो कि वही था जिसके लिए मैं आया था। तो जल्दी से मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ, बाहर निकलता हूँ और ये मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारे बीज है उन्होंने मुझे भेजा है। तो मुझे बोलता है कि जल्दी से तुम मेरे साथ चलो, यहाँ नीचे बहुत बेकार चीज़ चल रही है। तो मैं देखता हूँ तो मुझे कोई तो एक गार्डियन का नाम दिखता है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये मुझे एक फ्लोर और नीचे लेके जाता है और दूर मुझे दिखाता है कि यहाँ पे कोई तो खतरनाक वाला राक्षस है जो कि इन लोग ने बनाया है, जो कि बिना रुके पेड़ को तोड़ सकता है, एक बारी में हज़ार पेड़ भी तोड़ सकता है। तो एकदम से बाहर निकलता है और फिर तोड़ना चालू करता है ज़मीन, और नीचे पूरा लावा था, मैं गिर जाता तो मर जाता सीधा, लेकिन मैं भाग जाता हूँ। लेकिन शायद वो म्यूटेंट भी वहाँ पर गिर के मर चुका है। तो जल्दी से ये सब तोड़ना चालू करता है और पता नहीं कुछ तो फेंकता है, तो पूरी चीज़ें ब्लास्ट होना चालू होती है। तो मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ। तो जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसने कुछ अजीब सी चीज़ों को स्पॉन कर दिया है जो कि पिंक कलर की थी और फट रही थी। तो ये भी बाहर निकलता है उस जगह से और यहाँ पे भी ख़तरनाक ब्लास्ट करना चालू करता है। तो ये जो थे इसके चेले ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं और ये बहुत गंदा डैमेज दे रहे थे। तो मैं इनसे बचते हुए काफ़ी दूर आ जाता हूँ एक पेड़ के ऊपर और जल्दी से कुछ खा लेता हूँ पहले। और इसके बाद ये मुझे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत कम दिन है, बाद में मैं एक साथ काफ़ी सारे पेड़ों को तोड़ना चालू कर दूंगा। तो इतना सा बोलने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ और उसके बाद काफ़ी दिनों तक के यहाँ आ जाता हूँ और मुझे आखिरी में याद आती है फ्रेडी की। तो मैं जाता हूँ उसके कैसल के पास क्योंकि वही मेरी हेल्प कर सकता था। जैसे जाता हूँ अंदर तो मुझे सूट वाले लोग दिखते हैं, तो जल्दी से मुझे मारना चालू करता है, मैं भी ख़त्म करता हूँ। अंदर में एक और दिखता है तो जल्दी से उसको भी मार देता हूँ मैं, और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि अभी फ्रेडी है का। अंदर वाले रूम में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे फ्रेडी दिखता है, उसको बाहर निकालता हूँ और ये मुझे बताते हैं कि इन लोग ने आके इसको कैद कर लिया था। तो ये बोलता है कि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि और भी काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे लेके जाता है छत पे और बोलता है कि मैं एक पोशन फेंक रहा हूँ। जैसे पोशन फेंकता है मैं एकदम से बड़ा होना चालू होता है और मैं बन जाता हूँ एक म्यूटेंट ट्री। लेकिन तभी पीछे से वो आता है सूट वाला और वो मार देता है फ्रेडी भाई को। तो आ रहा है भी फ्रेडी भाई और मुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं निपटा देता हूँ। और देखो यार मेरे पास कितने ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कूदता हूँ नीचे और मुझे जितने भी सैपलिंग मिले थे पहले मैं इनको लगाना चालू करता हूँ फ्रेडी भाई की याद में, क्योंकि ये उनका घर था तो यहाँ पे जितने भी सैपलिंग उगेंगे तो उनकी याद में रहेगा। तो मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ, काफ़ी दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता हूँ मैं और आखिरकार मुझे मिल जाता है उस विक्टर की जगह जहाँ पर मैं पहले भी आया था कुछ दिनों पहले। और यहाँ पर मुझे दिखते वो सूट वाले लोग, तो जैसे मुझे देखते मुझे मारने के लिए आते हैं मेरे पीछे, और बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनको मारने में थोड़ी दिक्कत होती है और एक बारी तो बहुत ज़्यादा मेरे आजू बाजू हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा इनसे दूर भागना पड़ता है और एक एक करके मैं इनको निपटाता हूँ और आखिरी वाले को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब इनमें से कोई भी बाकी नहीं था। और इसके बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ पे विक्टर आता है बाहर और वो देखता है कि किसने ये सब किया। तो जैसे मुझे देखता है मुझे पहचानता नहीं, लेकिन मैं इसे बताता हूँ कि मैं वही पेड़ हूँ जिसको कि इसने दो बारी मारने की कोशिश किया था। तो उसके बाद मैं इसे मारना चालू करता हूँ कुछ हिट, लेकिन ये भी बहुत गंदी तरीके से मारता है अपनी कुल्हाड़ी से। तो मैं थोड़ा बहुत इससे भागता हूँ यहाँ,
लेकिन आखिरी मैं सोचता हूँ कि इससे भाग के कुछ नहीं होने वाला, तो मैं जल्दी से एक लास्ट हिट में ख़त्म भी कर देता हूँ। और इसके बाद मैंने इन सब लोगों को रोक लिया था और मुझे फ्रेडी का बदला भी लेना था, तो पूरा नेक्स्ट डे हो जाता है और मैं काफ़ी दिनों तक के चलते रहता हूँ। और मुझे यहाँ पे दिखते वो अजीब से लोग जो कि पेड़ काटते थे यहाँ पे, और जल्दी से मैं इनको निपटाना चालू करता हूँ। एक एक हिट में मैं मार सकता था अभी इनको। और यहाँ पे देखो यार, इन लोग ने पेड़ों को कितना गंदा कर दिया है, मतलब काट काट के पूरा। और यहाँ पे मुझे दिखता है मेरा कुत्ता, यानी कि यहीं कहीं आसपास में मौसी गोलम भी था। और जब तक कि मैं मौसी गोलम को नहीं मारूंगा तब तक कि फ्रेडी का बदला पूरा नहीं होगा। तो जल्दी से मुझे दिख जाता है वाला पेड़, और पता नहीं इसको भी इन लोग ने पूरा तोड़ दिया था। तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं ढूंढना चालू करता हूँ कि मौसी गोलम मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे मौसी गोलम मिल जाता है, और अब तो मेरे सामने एकदम छोटा सा बच्चा दिख रहा था ये। तो मैं जल्दी से आता हूँ और मेरा कुत्ता उसे पहले मारना चालू करता है, और मैं भी उसे कुछ हिट मारता हूँ। लेकिन ये छोटा सा था लेकिन इसमें दम बहुत ज़्यादा था, तो मैं इसे कुछ हिट मारता हूँ लेकिन ये भी बहुत गंदा डैमेज देता है। तो काफ़ी देर तक इसे लड़ने के बाद आखिरकार मैं इसे एक लास्ट हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप करते एकदम सही वाला एक्स और काफ़ी सारे कोबल स्टोन। तो जल्दी से मैं रख लेता हूँ इस एक्स को, और ये बहुत ही ज़्यादा सही एक्स था। और उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने फ्रेडी भाई का बदला ले लिया था, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है घर, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो मैं जैसे इसके अंदर जाता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा आदमी जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो मैं से पूछता हूँ कि ये कौन है, तो ये मुझे बोलता है कि ये मेयर है यहाँ का। और उसके बाद ये बताता है कि एक बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो इनकी पूरी सीट्स है उस पर कब्जा हो चुका है ये अजीब से कीड़े का। तो ये मुझे बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो मैं बोलता हूँ मैं हेल्प करूँगा लेकिन उसके बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो मैं इसके पीछे पीछे आता हूँ, और पता नहीं ये बहुत अजीब सी चीज़ दिख रही थी मुझे यहाँ पे। मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगर तुमने इस मेयर को और के देखा तो मुझे कमेंट में बता दो। आगे देखता हूँ तो मुझे वही जगह दिखती है, और यहाँ पे आता है एक जॉम्बी। तो जल्दी से उसको मारना चालू करता हूँ और उसको निपटा देता हूँ। और जैसे हम लोग उस जगह पर पहुँचते हैं यहाँ पर हमें कीड़ा नहीं मिलता है, लेकिन वो बाजू में एक टेंट के ऊपर थी और साथ में उसके काफ़ी सारे बच्चे भी थे। तो जैसे मुझे देखती है पता नहीं कुछ तो फेंकना चालू करती है, और बहुत गंदा डैमेज भी देती है, और इसके बच्चे तो बहुत ज़्यादा आतंक होते एकदम। और पता नहीं ये लोग स्लाइम फेंक रहे थे कि क्या फेंक रहे थे, बहुत गंदा डैमेज होता है उससे लेकिन। और इसके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पॉन हो चुके थे, तो उनको एक एक करके मैं मारता हूँ, और इनको एक एक करके मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैं सीधा उसको ही मारना चालू करता हूँ जो कि इनकी क्वीन होती है। और पता नहीं ये भी कुछ तो अजीब सा फोड़ते रहती बीच बीच में, स्लाइम होता है मेरे ख्याल से। तो मैं दो तीन हिट मारता हूँ और एक लास्ट हिट मार के मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, और इसके बाद ऑटोमेटिकली जो इसके बच्चे थे वो भी मर जाते हैं। तो मैं सीधा जाता हूँ मेयर के पास, तो मेयर ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसके बदले में वो मुझे देता है एक बो एंड एरो। और मैं इससे जो चीज़ मांगा था वो भी इसने लेके आ चुका था, जो कि था उस राक्षस का पता, क्योंकि मुझे जानना था कि वो कहाँ पे है, और मुझे उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना था वरना वो पूरे पेड़ को ख़त्म कर देगा इस दुनिया से। तो मुझे दे देता है एक बुक एंड क्विल में उसका एड्रेस, और पता नहीं यहाँ पे जॉम्बी को भी निपटा दिया उसने। तो मुझे पता चलता है कि वो कोलिजियम में था, तो जल्दी से मैं जाता हूँ उस तरफ। और मेरे पास वहाँ तक के पहुँचने के लिए सिर्फ 5 दिन का टाइम था, क्योंकि ये था day 95। तो काफ़ी दिनों तक के यहाँ वहाँ घूमते हुए और बोट से मैं पहुँच जाता हूँ आखिरकार, और मैं देख सकता था अपने सामने कोलिजियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह और बहुत सही जगह होती है। तो मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे क्योंकि मुझे उसे मारना था। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ अंदर, मुझे यहाँ पर दिखता है कि वो अकेला नहीं था, यहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन भी थे। लेकिन जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है, और फिर उसके बाद मुझे बोलता है कि तुम वापस से आ गए यहाँ पे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें मारने का मैं पूरे पेड़ को ख़त्म कर दूंगा इस दुनिया से। तो मुझे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उससे पहले कि मैं इसे मारने जाता, और फिर मैं देखता हूँ एकदम से पता नहीं मौसम भी कैसे क्या चेंज होना चालू होता है, और बारिश आ जाती है एकदम से, और फिर वो मुझे मारना चालू करता है। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था और स्लो भी था, तो 2-3 हिट तो मैं उसे मार देता हूँ आसानी से। लेकिन उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है एकदम से, और पता नहीं कैसे क्या स्पीड भी भागने लग जाता है। तो जल्दी से जो मेरे पास 2 गोल्डन एप्पल थे उनको मैं खा लेता हूँ, और फिर जाता हूँ मैं उसे मारने के लिए। और इस बार ही वो एकदम से जैसे मैं मारना चालू करता हूँ वो मेरे पीछे भागना चालू करता है। तो मैं इसे एरो से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बार ही मैं जब उसे मारने जाता हूँ तो पता नहीं बीच बीच में ब्लास्ट होना चालू होता है, और 1-2 हिट और मारता हूँ तो बीच में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। और इस बार ही वही जो उसके बच्चे रहते हैं उनको निकालना चालू करता है, और इनको मैं दूर दूर से मार देता हूँ क्योंकि इनको पास से जाके मारूंगा तो ब्लास्ट होना चालू हो जाएंगे, और अपने बच्चों को भी बचाना चालू करता है। लेकिन मैं तो भी उनको एक एक करके दूर से मारना चालू करता हूँ, और मैं देखता हूँ एकदम से मौसम भी ठीक हो चुका था और अब ये फिर से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं जब जब इसे मारता हूँ ये बीच बीच में ब्लास्ट होता है, लेकिन लास्ट के 2-3 हिट में मैं इसे निपटा देता हूँ जल्दी से। और उसके बाद मैं इस जगह पर बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एकदम स्टैचू बन जाता हूँ, यानी कि एक नॉर्मल पेड़, और मैं जब चाहूँ वापस से ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो बस यार, इस वीडियो के सिर्फ इतना ही।
तुम्हें वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करो, नीचे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।